ऑरेंज कैप होल्डर मोस्ट प्रोबेबली कौन बन सकता है उसके ऊपर तो वीडियो निकालवाना हो ही चुका है। और 2023 का आईपीएल में ना ऐसा ऐसा स्टेटमेंट मैं लेकर आ रहा हूँ डेली बेसिस पर, उसको देखने के लिए इस चैनल को ना जरूर से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत ही बेहतर बेहतर वीडियो आता रहता है। और लाइक कर देना क्योंकि लाइक करने में ना एंगेजमेंट बढ़ता है, मेरा थोड़ा भला हो जाएगा अगर लाइक और सब्सक्राइब कर देते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के कंटेंट में फोकस करते हैं, बहुत ही बेहतर ये कंटेंट होने वाला है क्योंकि इधर पर हम लोग बात करने वाले होंगे, जैसा कि मैं बताया कि ऑरेंज कैप तो बताना हो ही गया है लेकिन अभी हम बात करने वाले होंगे पर्पल कैप विनर कौन बन सकता है 2023 का आईपीएल के लिए। आप सभी लोगों को पता है कि पर्पल कैप विनर कौन बनता है, जो सबसे ज्यादा विकेट चटकाएगा आईपीएल 2023 में उसको पर्पल कैप मिलने वाला है। तो पर्पल कैप विनर भाई एक बहुत ही सम्मान का बात है क्योंकि हर एक खिलाड़ी चाहता है कि वो हाईएस्ट विकेट टेकर रहे आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में। तो उस जगह पर मैं बात करने वाला हूं हर एक टीमों का और हर एक टीम से कौन कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो कि पर्पल कैप के रेस में रहेगा उसके ऊपर बात करेंगे विद स्टैट्स। और स्टैट्स आपको क्या दिखाऊंगा, 2022 का स्टैट्स मैं दिखाऊंगा। तो उधर से देखो मैं जो जो खिलाड़ी का नाम लूंगा ना वो सभी खिलाड़ी स्टैट्स के वाइज तो भाई बेहतर रहेगा ही रहेगा, उसके साथ ना क्वालिटी भी देगा 2023 के आईपीएल में क्योंकि हर एक खिलाड़ी ना एक क्वालिटी एक नंबर खिलाड़ी है। तो उस जगह पर मतलब खिलाड़ी को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आरसीबी से स्टार्ट कर देते हैं। तो आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का जो फर्स्ट चॉइस रहेगा, यानी मैं अगर बात करूँ कि पर्पल कैप के रेस में रहेगा वो होगा वारेन हजारंगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है क्योंकि ये खिलाड़ी एक मिस्ट्री स्पिनर है, इसमें बताने की बात नहीं, आप सभी लोगों को पता है। और बेहतर तरीके से स्पिन भी करता है और गेंद को ना भाई बेहतर पोजीशन पर भी ढालता है। अगर मैं बात करूं तो पिच का बहुत ही ज्यादा बेहतर ज्ञान है और इसकी वजह से ज्यादा क्वालिटी भी दे पाएगा। तो उस जगह पर आप इनका स्टैट्स देख सकते हो 2022 का आईपीएल का, क्योंकि वहां पर भाई तबाही मचा दिया था। तो आपको देखने को मिलेगा टोटल 22 का आईपीएल में 16 मैच खेला था, विकेट चटका लिया था 26, इकोनॉमी 7.54 का, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही बेहतर एक स्टैट्स है। और मैं बताऊंगा कि ये खिलाड़ी 2023 के आईपीएल में भी ना आरसीबी को क्वालिटी देगा और पर्पल कैप के रेस में रहेगा। उसके बाद जिस टीम का जिस खिलाड़ी का मैं नाम लेने वाला हूं वो खिलाड़ी रहेगा युजवेंद्र चहल, जो कि आरआर यानी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलेगा। लेकिन राजस्थान रॉयल्स में ना और भी ज्यादा बेहतर क्वालिटीदार गेंदबाज है, लाइक मैं अगर बात करूं ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा जैसा खिलाड़ी भी है, लेकिन युज चहल भाई वो मतलब अलग ही भाई उनका भाई गेम है, वो अलग ही लय में गेंदबाजी करते हैं। और रिसेंट टाइम की अगर मैं बात करूं ना तो इंडियन टीम में ना उनको लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है। तो उस जगह पर आईपीएल में भाई ये खिलाड़ी भाई तबाही मचाने वाला है क्योंकि उनके ऊपर क्वेश्चन अगर आप उठाते हो ना तो ये खिलाड़ी भाई प्रूव करता है कि भाई नहीं, इस खिलाड़ी के पास क्वालिटी है। तो उस जगह पर आप 2022 का स्टैट्स भी देख सकते हो। टोटल मैच खेला था आईपीएल में 2022 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से 17, उनमें से विकेट चटका लिया था 27, इकोनॉमी 7.75 का। और ये खिलाड़ी ना 2023 के आईपीएल में भी पर्पल कैप के रेस में रहेगा, इसमें बताने की बात नहीं है। उसके बाद जिस टीम का जिस खिलाड़ी का मैं बात करने वाला हूं वो खिलाड़ी होगा पीबीकेएस यानी पंजाब किंग्स का कगिसो रबाडा। मैं रबाडा का नाम लिया क्योंकि इससे मतलब नो डाउट इस टीम में बहुत बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी है। मैं अगर बात करूं तो राहुल चाहर जैसा खिलाड़ी है, अर्जदीप सिंह जैसा खिलाड़ी है, लेकिन कगिसो रबाडा भाई अलग लेवल का गेंदबाज है, गति बेहतर है, गति तो भाई अलग लेवल का ही है, उसके साथ गेंदबाजी में भी तेज गेंदबाजी में भी ज्यादा क्वालिटी देता है और विकेट टेकिंग गेंदबाज है। तो उस जगह पर मैं बताऊंगा कि 2022 का आप स्टैट्स देख सकते हो, टोटल मैच खेला था 13, उनमें से विकेट चटकाया था 23, इकोनॉमी 8.46 का, जो कि बेहतर आपको देखने को मिलेगा स्टैट्स से। और 2023 का आईपीएल में भी ना ये खिलाड़ी मतलब रेस में रहेगा, मतलब विकेट टेकिंग ऑप्शन में पंजाब को भी सपोर्ट करेगा, उसके साथ पर्पल कैप के रेस में भी रहेगा। उसके बाद जिस टीम का जिस खिलाड़ी का नाम आ जाता है वो टीम होगा केएल राहुल का टीम, यानी गौतम गंभीर और केएल राहुल का टीम लखनऊ सुपर जायंट्स। तो लखनऊ सुपर जायंट्स में भी बेहतर बेहतर खिलाड़ी तो है, मतलब रवि बिश्नोई जैसा खिलाड़ी भी है, लेकिन मैं ना एक युवा खिलाड़ी को या फिर मैं अगर बताऊं तो एक मतलब नया खिलाड़ी को ना मैं चूज करूंगा जो कि 2022 में ना ज्यादातर मैच खेलने को नहीं मिला था लेकिन फिर भी इस खिलाड़ी के पास क्वालिटी है। तो वो कौन है, वो है मोहसिन खान। तेज गेंदबाजी करता है, 140 के ऊपर की गति से गेंदबाजी करता है, उस खिलाड़ी के पास ना बहुत ज्यादा क्वालिटी है। आपको देखने को मिलेगा कि 2022 का स्टैट्स है, टोटल मैच खेला था 2022 के आईपीएल में 9 मैच, उनमें से विकेट चटका लिया था 14, इकोनॉमी है 5.97 की, इकोनॉमी देख सकते हो भाई क्या ही क्वालिटी दार इकोनॉमी है। तो मैं बताऊंगा कि ये खिलाड़ी ना एक क्वालिटी देने वाला है और विकेट टेकिंग ऑप्शन भी बनेगा लखनऊ के लिए। तो ये खिलाड़ी पर्पल कैप के रेस में रह सकता है इस साल के आईपीएल में। आप सभी लोग इसके ऊपर क्या राय देना है कॉमेंट पर बताओ। उसके बाद जिस टीम का जिस खिलाड़ी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो खिलाड़ी होगा गुजरात टाइटंस, जो कि 2022 का आईपीएल चैंपियन भी है। लेकिन इस टीम के पास ना मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी रहते हुए भी मैं चूज करूंगा राशिद खान को, इसमें
बताने की बात नहीं है, बहुत ही अव्वल दर्जे का खिलाड़ी है और रिसेंट टाइम में ना हर एक लीग में ये खिलाड़ी अपना छाप छोड़ता है। तो उस जगह पर मैं बताऊंगा कि आईपीएल 2023 में भी ये खिलाड़ी अपना छाप छोड़ेगा और इस खिलाड़ी के पास जो स्टैट्स है ना 2022 का वो भी आपको देखने को बेहतर ही लगेगा। तो मैच खेला था 16 उनमें से विकेट चटकाया था 19, इकोनॉमी है 6.60 का। देखो ये खिलाड़ी ना इकोनॉमी का ज्यादा बेहतर ही रहता है, लेकिन इस खिलाड़ी के पास जो मिडिल ओवर्स में विकेट टेकिंग एबिलिटी है ना वो बहुत कम खिलाड़ी के पास है। तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि राशिद खान नो डाउट पर्पल कैप के रेस में रहेगा 2023 के आईपीएल में। उसके बाद जिस टीम का, जिस खिलाड़ी के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो टीम होगा केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बेस्ट विकेट टेकिंग ऑप्शन कौन बनने वाला है? आप सभी लोगों को पता है कि इस टीम में सुनील नारिन जैसा गेंदबाज है, उसके साथ में अगर बात करूं तो टीम साउदी जैसा गेंदबाज है, एंड्रे रसेल भी बहुत ही बेहतर तरीके से गेंदबाजी किया था पिछला साल। लेकिन मैं बताऊंगा कि नो डाउट भाई उमेश यादव पिछला साल जैसा गेंदबाजी किया और जो अपना रूप दिखाया ना, मतलब उमेश यादव 2.0 तो भाई आ ही गया है, उसके साथ इस साल भी वो बंदा क्वालिटी देगा मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि इस खिलाड़ी के पास जो पोटेंशियल है ना कि वो दोनों तरह से स्विंग भी कर सकता है, सीम भी कर सकता है गेंद को, और भाई इस खिलाड़ी के पास ना एक रॉ पेस है, तो उस जगह पर ये खिलाड़ी भाई बेहतर करेगा। और मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि 2022 का स्टैट्स देख सकते हो, टोटल मैच खेला था 12 उनमें से विकेट चटकाया था 16, इकोनॉमी है 7.06 का, जो कि एक बेहतर स्टैट्स आपको देखने को मिल रहा है। और ये खिलाड़ी पर्पल कैप के रेस में 2023 का आईपीएल में भी रहेगा और पर्पल कैप विनर भी बन सकता है अगर मतलब वो फ्लाई में गेंदबाजी करे तो, ठीक है। उसके बाद जिस टीम के, जिस खिलाड़ी के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो टीम होगा MI यानी मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस के ओर से मैं अगर बात करूं ना तो ये टीम में जॉफ्रे आर्चर खेलेगा, उसके साथ जसप्रीत बुमराह खेलेगा। तो ये दो जब इकट्ठे खेलेगा ना भाई एक अलग लेवल का गेंदबाजी क्रम आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इन दोनों में से भी ना टाई होता है कि भाई कौन विकेट टेकिंग ऑप्शन के तहत उभर कर सामने आएगा। तो मैं बताऊंगा कि अगर देखो जसप्रीत बुमराह वापसी करता है और अगर बेहतरीन तरीके से करता है तो बुमराह के मतलब इलावा आप किसी भी खिलाड़ी को ना चूज नहीं कर सकते। हालांकि जॉफ्री आर्चर भी एक बेहतर विकेट टेकिंग ऑप्शन है, लेकिन मैं जसप्रीत बुमराह को ही आगे रखूंगा। इसमें बताने की बात नहीं है, मुंबई फैंस भी अगर ये वीडियो देखे ना तो मुंबई फैंस भी बताएगा कि भाई जसप्रीत बुमराह को ही आगे आप रख सकते हो। तो उस जगह पर मैं बताना चाहूंगा कि जसप्रीत बुमराह ही अव्वल दर्जे का रहेगा मुंबई के लिए भी। स्टैट्स देख सकते हो, 2022 का टोटल मैच खेला था 14 उनमें से विकेट चटकाया था 15, इकोनॉमी है 7.18 का, जो कि ठीक ठाक इकोनॉमी है लेकिन क्वालिटी बहुत ही ज्यादा है। तो जसप्रीत बुमराह रहेगा पर्पल कैप के रेस में। और एक बात मैं बता देना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी टीम का जर्सी खरीदना हो और कुछ भी चीज खरीदना हो ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, वहां पर जाकर चेक कर सकते हो। वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से अगर आप जाकर खरीदते हो ना तो मेरा थोड़ा भला हो जाएगा और एक बेहतर क्वालिटी आपको प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। तो जाओ जाकर चेक आउट कर सकते हो, वीडियो खत्म होने के बाद ही चेक करना। तो चलिए उसके बाद जिस टीम का, जिस खिलाड़ी के बारे में मैं बात करने वाला हूं तो वो खिलाड़ी रहेगा डीसी यानी दिल्ली कैपिटल्स से कुलदीप यादव। मैं कुलदीप यादव को रखूंगा दिल्ली के लिए पर्पल कैप होल्डर के लिस्ट में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पर्पल कैप होल्डर की मैं अगर बात करूं तो रिसेंट टाइम का फॉर्म कुलदीप के साथ बहुत ज्यादा वैरी कर रहा है। और उस जगह पर अगर फॉर्म इस खिलाड़ी के पास है ना तो यह खिलाड़ी तबाही वाला परफॉर्मेंस देने वाला है दिल्ली कैपिटल्स के लिए 2023 के आईपीएल में। तो आप 2022 का स्टैट्स भी देख सकते हो आप इनका, जो कि एक बहुत ही बेहतर स्टैट्स है आपको देखने को मिलेगा 2022 का आईपीएल में। यह खिलाड़ी टोटल मैच खेला था 14 उनमें से विकेट चटकाया था 21, मतलब 14 मैच में 21 विकेट चटका लिया था। इकोनॉमी है 8.44 का, जो कि आपको देखने को मिलेगा। एक क्वालिटी स्पिन गेंदबाजी का मुजाहिरा आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं बताऊंगा कि यह खिलाड़ी भाई पर्पल कैप के रेस में रहेगा 2023 के आईपीएल में। उसके बाद जिस टीम का, जिस खिलाड़ी के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो टीम रहेगा एसआरई यानी सनराइजर हैदराबाद। तो हैदराबाद की ओर से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो कि पर्पल कैप के रेस में रहेगा? इस टीम के पास क्वालिटी तेज गेंदबाजी ऑप्शन है, उसके साथ वाशिंगटन सुंदर जैसा स्पिन गेंदबाज, अकील हुसैन, आदिल रशीद जैसा स्पिन गेंदबाज भी है। लेकिन मैं बताऊंगा कि भाई भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन रहते हुए भी एक युवा खिलाड़ी जो कि उमरन मल्लिक भाई, इनके पास जो गति है वो भाई गति से ही बल्लेबाज को आउट करने का दम रखता है। तो उस जगह पर मैं बताऊंगा कि उमरन मल्लिक एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा पर्पल कैप होल्डर के लिस्ट में। और मैं बताऊंगा कि 2023 का आईपीएल में ये खिलाड़ी भाई अगर सबसे ज्यादा विकेट ले भी लेता है ना तो कोई हैरानी की बात नहीं होगा, क्योंकि इस खिलाड़ी के पास वो पोटेंशियल है कि वो विकेट चटकाए बेहतरीन तरीके से। तो इस खिलाड़ी का स्टैट्स भी देख सकते हो 2022 का आईपीएल का, टोटल मैच खेला था 2022 में 14 उनमें से विकेट चटका लिया था 22 उनमें से, आपको इकोनॉमी देखने को मिलेगा थोड़ा सा ज्यादा था
मतलब 9.03 का इकोनॉमी, लेकिन क्वालिटी भाई विकेट टेकिंग क्वालिटी बहुत बेहतर है। तो ऐसा खिलाड़ी को आप जरूर जरूर देखना चाहोगे पर्पल कैप के लिस्ट में, इसमें बताने की बात नहीं है। और लास्टली जो टीम आता है वो टीम है CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स। और चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से जो खिलाड़ी पर्पल कैप के लिस्ट में रहेगा वो खिलाड़ी कौन है पता है? वो खिलाड़ी है ये चेन्नई सुपर किंग्स का सबसे रिलायबल सबसे भरोसेदार खिलाड़ी दीपक चाहर। दीपक चाहर एक तेज गेंदबाजी ऑप्शन है चेन्नई के लिए, लेकिन पर्पल कैप होल्डर के लिस्ट में भी रहेगा क्योंकि ये खिलाड़ी एक अव्वल दर्जे का खिलाड़ी है और इनके पास स्विंग भी है, उसके साथ सीम भी करने की एबिलिटी है, उसके साथ क्वालिटी तेज गेंदबाजी करता है, लाइन लेंथ सटीक रहता है उसके साथ। देखो ज्यादातर पेस नहीं है, मतलब रॉ पेस जो मैं बताता हूं ना वो नहीं है इनके पास, लेकिन इनका लाइन और लेंथ ना सटीक होता है, उसके साथ जो गेंद हिलता है ना वो भाई बहुत बेहतर तरीके से हिलता है। तो उस जगह पर यह खिलाड़ी एक विकेट टेकिंग ऑप्शन बनेगा और यह खिलाड़ी भी ना चोट से वापसी करेगा, तो उस जगह पर इनका स्टैट्स में क्या ही दिखाऊं, लेकिन यह खिलाड़ी भी पर्पल कैप के लिस्ट में रह सकता है CSK के ओर से। आप सभी लोगों को क्या लगता है इन सभी जो जो मैं खिलाड़ी का नाम लिया उनमें से कौन सा खिलाड़ी होगा जो कि पर्पल कैप के लिस्ट में टॉप 3 में रहेगा, वो जरूर से आप कमेंट करो और बताओ। और अभी के लिए बस इतना ही, ऐसा ही वीडियो और भी आता रहेगा और प्रोडक्ट खरीदने वाला लिंक भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में है। और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको हर एक टीम का IPL रिलेटेड बहुत सारा वीडियो देखना हो, मतलब बहुत क्वालिटीदार वीडियो और हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना हो ना, तो ये वाला प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हो। और मैं बताऊंगा कि अगर आपको IPL में ऑलराउंड ऑप्शन में कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा बेहतरीन ऑलराउंडर साबित होगा या फिर रैंकिंग देखना हो, तो ये वाला वीडियो जाकर देख सकते हो। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।